जी हाँ गाइज, आप लोगों ने सही सुना, पबजी मोबाइल वापस से अनबैन होने वाला है। तो ये मैं नहीं कह रहा, पबजी मोबाइल ऑफिशियल की तरफ से रिप्लाई है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो कल से एक नया ट्रेंड कर रहा है कि पबजी मोबाइल की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है जो कि मैंने वीडियो के पहले ही आप लोगों को दिखा दिया। तो उसी के बारे में आज के इस वाले वीडियो में बात करने वाले कि पबजी मोबाइल की तरफ से जो ऑफिशियल रिप्लाई आया है वो सही है या फिर झूठ। तो अगर आप जानना चाहते तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आप चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पर जो आप लोग पोस्ट देख रहे हो वो पबजी मोबाइल ऑफिशियल की तरफ से ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था जो कि आप लोग देख सकते हो, एक घंटा पहले इसको डाला गया था। तो चलिए फटाफट से देख लेते इसके अंदर लिखा गया है, उसके बाद हम बात करेंगे वो रियल है या फिर फेक। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पबजी मोबाइल इंडिया, सो फाइनली आफ्टर पबजी मोबाइल बैन्ड इन इंडिया वी हैव डेडिकेटेड टू ब्रेक आवर पार्टनरशिप विद टेंसेंट एंड सून विद द न्यू कोलाबोरेशन द गेम विल बी बैक फॉर ऑल इंडियन पबजी मोबाइल लवर टू प्ले। तो भाई यहाँ पर पबजी वालों ने पूरा साफ साफ लिख दिया कि वो लोग जो टेंसेंट से ब्रेक कर लेंगे और दूसरे पार्टनरशिप के साथ बहुत ही जल्दी कोलाबोरेशन करने वाले और इसी के अंदर जो बहुत ही जल्दी पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर वापस से आ जाएगा, यानी कि अनबैन हो जाएगा। तो भाई इस पोस्ट की बात करें तो ये सरासर फेक है, यहाँ पर एडिटिंग में मिस्टेक है जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जिसने भी इसको एडिट करके डाला है वो सरासर फेक पोस्ट है और पबजी मोबाइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप लोग जो चेक कर सकते हो, जाकर पबजी मोबाइल का जो ट्विटर है वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वेरीफाई पेज वाला वो सही है, लेकिन इसको जो एडिट करके इसको डाला गया है और मुझे पता नहीं कि क्यों इसको जो हर कोई शेयर कर रहा है, यहाँ पर कहता है कि भाई ये रियल है और पबजी मोबाइल की तरफ से ऑफिशियल आ गया। और ऐसा ही नहीं, बहुत बड़े बड़े आपको वेबसाइट के आर्टिकल पर भी आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो हर कोई कह रहा है कि भाई ये रियल है, लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप जो पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल ट्विटर है वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर पबजी मोबाइल ने कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि इंडिया के अंदर वापस से आ जाएगा। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो आप लोग ट्विटर पर जाकर चेक कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पर वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। उन्होंने अभी तक कुछ भी ऑफिशियल रिप्लाई नहीं दिया। और एक चीज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि पबजी मोबाइल जो न्यू पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है जिसका नाम है गेम लॉफ्ट। तो भाई ये भी सरासर फेक है, इन सारे चक्कर में मत फंसना। पबजी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा कि वो लोग न्यू पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे या फिर नहीं। तो ये जो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसको मतलब कि पूरी तरीके से इसको फेक है और हर कोई जो इसके ऊपर यकीन कर रहा है, तो भाई इसके चक्कर में मत फंसना। और जो न्यू पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करने वाले गेम लॉफ्ट, ये भी सरासर फेक है। तो अभी तक कुछ भी ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया पबजी मोबाइल की तरफ से। अगर कुछ भी ऑफिशियल रिप्लाई आता है तो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो होप कर दो आज का वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये फेक न्यूज़ के बारे में पता चले। अगर चैनल पर नए हो तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।